आप सबने सुपरस्टार रजनीकांत की मशहूर फिल्म रोबोट तो जरूर देखी होगी। तो जरा सोचिए कि अगर आपकी जिंदगी में भी चिट्टी की तरह ही कोई रोबोट हो जिसे आप जैसे चाहें इस्तेमाल कर सके। सोचने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि अगर ऐसी ही कोई मशीन हमारे पास होती तो कितना सही होता, हम जो चाहें उससे करवा सकते। तो भाई आपको बता दें कि जापान ने ऐसा रोबोट बनाने में कामयाबी पा ली है। हालांकि इस खबर की पुष्टि हमारा चैनल नहीं करता, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि जापानी रोबोटिक्स कंपनियां किसी अन्य देश की तुलना में कहीं ज़्यादा आगे हैं और उनके तैयार किए गए रोबोट दुनिया भर में इस्तेमाल किए जाते हैं। पर साल 2017 में कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरा जापान सहम गया। आखिर क्या हुआ था उस वक्त, आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरमे टाइम्स का विशेष, मैं हूं अंकुर शुक्ल। असल में साल 2017 में जापान की एक नामी गिरामी रोबोटिक्स कंपनी ने मिलिट्री के इस्तेमाल के लिए बेहद ही हाईटेक रोबोट्स को तैयार किया था जो कि मामूली रोबोट्स से बिल्कुल अलग थे। और इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस रोबोट्स ने कुछ ऐसा कर दिया जिसके बाद इस प्रोजेक्ट को ही बंद करना पड़ा और फिर दोबारा कभी भी इस प्रोजेक्ट पर काम ही नहीं हो सका। हालांकि सबूतों के अभाव में इस मामले से जुड़ी और कोई जानकारी मौजूद नहीं है और इसी वजह से कुछ लोग इसे फर्जी भी मानते हैं, पर कहीं कहीं कुछ लोग इस मामले को सच मानते हैं और इसको लेकर उनमें कई तरह की बातें प्रचलित हैं। ऐसा कहा जाता है कि इनमें से एक रोबोट डिसमेंटल होने के बावजूद किसी ऑर्बिटल सैटेलाइट से खुद को कनेक्ट कर रहा था और इस वजह से वह और भी मजबूत और सक्षम होता जा रहा था। असल में इन अलग तरह के रोबोट्स के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया था जिसकी बदौलत इनमें खुद ही सोचने समझने की क्षमता विकसित हो गई और यही वजह है कि इन रोबोट्स ने वहां इतना घातक हमला किया कि लोगों की जान पर बनाई। दरअसल टेस्टिंग के दौरान यह रोबोट्स जानलेवा बन गए और उन्होंने 29 वैज्ञानिकों की जान ले ली। और ये कोई रोबोट्स की फौज नहीं थी बल्कि ये साल 2017 में तैनात किए गए सिर्फ 4 रोबोट्स ही थे जिन्होंने हर जगह आतंक का माहौल बनाकर रख दिया था। और पहले तो जब इन्हें बनाया जा रहा था तब इन रोबोट्स को मिलिट्री को सौंपा जाना था, लेकिन टेस्टिंग के दौरान ही उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसके बाद वैज्ञानिक भी हैरान रह गए और उन्होंने दोबारा इन्हें तैयार करने के प्रोजेक्ट के बारे में विचार ही नहीं किया। वैसे इस पर हिंदी के महान साहित्यकार प्रेमचंद जी ने कहा है कि विज्ञान में इतनी शक्ति है कि वह काल के चिन्हों को भी मिटा दे। लेकिन यह हमें सोचना है कि हम विज्ञान का कब, कैसे और कितना सदुपयोग करें। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप बने रहिए सुरमई टाइम्स के साथ और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।